गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। सुबह सवेरे की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। राजधानी में मलबे में दबी गाड़ियां, सड़कों पर गिरे पेड़, जीप कार और स्कूटी में भिड़ंत। सतलुज में पानी बढ़ने से 80 वर्षीय बुजुर्ग सहित 18 बकरियां बही, सर्च अभियान जारी। भारी वर्षा से 4 लेन सड़क का पानी गौशाला में घुसा, सड़क सहित पशु चारा बर्बाद। ज्वाली में खुली लोक निर्माण विभाग की पोल। अब समाचार विस्तार से। What does it take to be your best at Shulini University? You learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top-ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's number one private university. राजधानी में मॉनसून के दस्तक से पहले ही वर्षा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी में गत रात्रि भारी बारिश के कारण लोअर सिमेट्री में मलबा आने के कारण 4 वाहन मलबे की चपेट में आ गए। वाहनों को इससे भारी नुकसान हुआ है। वहीं पुराना बस अड्डा में गुरुद्वारे के समीप भारी वर्षा के कारण सड़क पर मलबा आ गिरा। ITI चौड़ा मैदान में पेड़ गिर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे हटाने का कार्य जारी है। शहर के अन्य क्षेत्रों में जहां बारिश के कारण पेड़ गिरने की सूचना है, वहीं ISPT में भी भारी वर्षा के कारण सड़क पर मलबा आ गया। सड़क पर आए मलबे को हटाने का कार्य जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। 28 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। मैं रमेश ठाकुर, यहाँ का स्थानीय निवासी। आज ही पिछली रात को 23 की रात को जो भारी वर्षा हुई, उसके कारण जो ऊपर टनल का काम चल रहा है जिन्होंने की, पर एक सिमेट्री गेट से लेके एक ड्रेन बनी थी, वो उस टनल के कार्य के कारण ब्लॉक हुई थी और इसका पानी रात को ओवरफ्लो होकर नीचे हमारे जमीन में आ गया, जिसके कारण यहाँ 4 गाड़ियाँ बुरी तरह दब गई और रस्ते वगैरह लोगों के दब गए। और हमने पहला भी MC को या इनको कहा था कि इसको ड्रेन को आप बंद ना होने दें, क्योंकि वहाँ से पानी पर बरसात के कारण बहुत ज़्यादा आता है। और वो ही हुआ जो हम पहले से शंका जाहिर करते थे, जिससे नीचे काफ़ी नुकसान हुआ है। आगे भी हम प्रशासन से ये मांग करते इसका समाधान शीघ्र किया जाए, अन्यथा इसमें जान माल का नुकसान हो। नाम बताना पहले। मैं विनीत शर्मा, यहाँ से काउंसलर हूँ शांति विहार से। तो कल रात को जो भारी बारिश हुई, उसकी वजह से जो टनल के पास जो काम लगा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे मिट्टी उठा दी थी, जिससे सारा पानी हमारे इस एरिए को आ गया है और 4 गाड़ियाँ यहाँ पे दब गई थी। लोगों की घरों के रास्तों को भी क्षति पहुँची है, तो हम इसके लिए जल्दी से जल्दी इसको रास्ते बनाने की नगर निगम से कोशिश कर रहे हैं। बोलो। नमस्कार, मैं देवेंद्र ठाकुर, मिट्टी से। और जो मिट्टी में ऊपर टनल बन रही है, उसके कारण जो यहाँ पर मलबा इकट्ठा हुआ और सारा बारिश में आकर नीचे हमारे गाड़ी के ऊपर सारा गिर गया है, और इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और आने वाले टाइम में हमारा नीचे घर भी है साथ में, और यहाँ पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी लोग हैं। कांगड़ा बस अड्डा के प्रवेश द्वार के बाहर आज एक जीप कार व स्कूटी के आपसी टक्कर का मामला सामने आया है। आज सुबह एक जीप के चालक ने सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, वहीं साथ में चल रही कार को भी नुकसान पहुंचा है। मौके पर इस टक्कर में घायल हुए स्कूटी सवार को उपचार के लिए ले जाया गया, जबकि मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। सुंदरनगर उपमंडल के BBMB पावर हाउस सिलापट के पास सतलुज नदी में शुक्रवार शाम को एकाएक पानी बढ़ने से 80 वर्षीय बुजुर्ग सहित 18 बकरियां सतलुज नदी में बह गई हैं।
मामले को लेकर सिलावट पुलिस में लापता वृद्ध के भतीजे ने शिकायत पत्र दायर किया है, जिसके बाद सिलावट पुलिस कर्मियों ने सतलुज नदी के किनारे सर्च अभियान शुरू कर दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि सिलावट पावर हाउस के पास सतलुज किनारे एक वृद्ध व 18 बकरियां पानी में बहने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। उपमंडल में जारी भारी वर्षा के बीच लगातार नुकसान होने के समाचार सामने आ रहे हैं। कीरतपुर नेर चौक फोर लेन निर्माण होने पर पहली ही बरसात में निर्माण कार्य की पोल खुल गई है। सड़क से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह पानी लोगों की बेशकीमती संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। सुंदरनगर उपमंडल के शीतल गौसदन अलसू के पास फोर लेन सड़क का पानी आफत बनकर टूट पड़ा। भारी पानी आने से गौसदन की सड़क पर 8 से 10 फीट खाई पड़ गई है और कीचड़ व मलबा साथ लगते पशु चारे भंडार गृह में घुसने से चारा भी खराब हो गया है। ज्वाली उपमंडल में शुक्रवार देर रात पहली ही बारिश ने लोक निर्माण विभाग की पोल खोल के रख दी। बारिश का पानी इतना तेज था कि लोक निर्माण विभाग की जगह जगह निकासी नालियां बंद होने के कारण सारा पानी सड़कों पर बहा तथा सड़कों को उखाड़ दिया। इस तेज बारिश के चलते कहरियां चौक की सड़क सड़क नहीं एक बहुत बड़ी खड्ड लग रही थी। कहरियां चौक में मलबा का ढेर लग गया तथा दुकानों में पानी घुस गया। सुबह ही दुकानदार दुकानों में पहुंचकर पानी को निकालना शुरू हो गए। दुकानदारों ने कहा कि पिछली बरसात में भी यही हाल हुआ था तथा लोक निर्माण विभाग ने निकासी नालियां खुलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा कहरियां चौक पर तेज बारिश में बहे मलबे को जेसीबी व ट्रैक्टर के माध्यम से हटाकर रास्ते को खोला जा रहा है। गुड मॉर्निंग हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।